हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम मेलिसा है, जिसे 2005 में रिलीज किया गया था। इस मूवी के कहानी में हम लोग एक 16 साल की लड़की को देखेंगे, जो कि अभी अभी जवान हुई है। जवानी के नशे में वो जब पहली बार इंटीमेट होती है, तब उसे इसकी लत लग जाती है। उसकी ये बुरी आदत उसे किस रास्ते पर लेकर जाती है, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो घर में अपने माँ और दादी के साथ रहती थी। उसकी माँ एक नंबर की शराबी थी, इसलिए वो ज्यादातर टाइम बीमार ही रहा करती थी। यहीं पर हम लोग मेलिसा को देखते हैं, जो कि अपने ग्रैंड मदर के साथ बातें कर रही होती हैं, और वो उनका बहुत केयर करती है। एक दिन मेलिसा जब अपने रूम में होती है, तब वो अपने आप को प्लेजर देने के लिए खुद ही को छूने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाती है। अपनी माँ को यहाँ देखकर मेलिसा अपने आप पर कंट्रोल करती है। इसके बाद मेलिसा अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर जाती है। वहाँ वो डेनियल नाम के एक लड़के से मिलती है। डेनियल उसी का क्लासमेट होता है। मेलिसा यहाँ आकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो डेनियल को मन ही मन में पसंद करती थी, लेकिन डेनियल उस पर ध्यान नहीं देता था। इसके बाद मेलिसा स्विमिंग पूल में जाती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे धक्का दे देता है, जिसके वजह से मेलिसा यहाँ डूबने लगती है। तभी डेनियल यहाँ आकर उसे बचाता है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को अपने पीछे वाले गार्डन पर लेकर जाता है। डेनियल यहाँ उससे कहता है, मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा, लेकिन वो यहाँ पर एक शर्त रखता है। वो मेलिसा से कहता है, तुम्हें रोज यहाँ पर अकेले आना होगा। इसके बाद वो मेलिसा के काफी करीब आने लगता है। मेलिसा पहले से ही डेनियल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे पास आने से नहीं रोकती है। इसके बाद डेनियल मौके में चौका मारता है और वो उसके साथ घपाघप कर लेता है। घपाघप करने के बाद डेनियल बिना कुछ बोले ही यहाँ चला जाता है। मेलिसा को ये बात काफी बुरी लगती है। कुछ ही दिनों के बाद इनका स्कूल खुलता है। मेलिसा यहाँ डेनियल का आने का वेट कर रही होती है, लेकिन डेनियल कई महीनों से मेलिसा से नहीं मिला था और ना ही उसने कोई कॉल की थी। मेलिसा अब डेनियल की तरफ और भी अट्रैक्ट हो चुकी थी और वो हर समय डेनियल के बारे में ही सोच रही थी। मेलिसा की फ्रेंड उसे बताती है, डेनियल एक क्लब में गया है। इसके बाद वो दोनों भी उस क्लब में जाती हैं। इस क्लब में आकर मेलिसा डेनियल को ही देख रही थी, तभी डेनियल भी उसे देखता है और उसके पास में जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है। लेकिन तभी वहाँ पर डेनियल का एक फ्रेंड आता है और वो मेलिसा को देखकर उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। मेलिसा को यहाँ अपने करीब देखकर डेनियल का मूड बन जाता है। इसके बाद वो मेलिसा से कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, लेकिन अकेले में। डेनियल की इन बातों को सुनकर मेलिसा बहुत खुश होती है। इसके बाद डेनियल मेलिसा को अपने घर में लेकर जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाती है। ये दोनों यहाँ फिर से घपाघप करती हैं। यहाँ मेलिसा डेनियल से ये बोलती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन डेनियल मेलिसा की बातों का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो तो बस उसके साथ घपाघप करना चाहता था। जब इनका कार्यक्रम खत्म होता है, तब डेनियल फिर से बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। अब मेलिसा भी ये डिसाइड करती है, डेनियल जिस तरह उसके साथ खेल रहा है, वो भी अब बाकी लोगों के साथ खेलेगी और उसे अपने सामने वाले की फीलिंग से कोई भी मतलब नहीं होगा। इधर मेलिसा की ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि वो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगी। लेकिन मेलिसा इस बात से काफी सैड हो जाती है, क्योंकि वो अपने ग्रैंड मदर से दूर होना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेलिसा अपने माँ से लड़ाई करने लगती है। अगले दिन मेलिसा अपने दोस्त के साथ एक कॉफी शॉप में जाती है। यहाँ वो सामने बैठे एक आदमी को देखती है, जिसे देखकर उसे डेनियल की याद आती है और उसे डेनियल की सारी हरकतें याद आने लगती है। मेलिसा उस आदमी को इशारा करती है। इसके बाद जैसे ही वो आदमी मेलिसा के पास आकर बैठता है, वो यहाँ से उठकर चली जाती है और वो जाते हुए बार बार उस आदमी को देखती है, क्योंकि मेलिसा अब डिसाइड कर चुकी थी कि उसे सामने वाले शख्स की फीलिंग से खेलना है, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद मेलिसा जब अपने घर में जाती है, तब वो देखती है उसकी ग्रैंड मदर घर में आई है। अपने ग्रैंड मदर को यहाँ देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ग्रैंड मदर ये समझ जाती है मेलिसा में अब काफी बदलाव आने लगा है। इन सारी बातों को वो मेलिसा की माँ को बताती है, लेकिन मेलिसा की मॉम इन सारी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, मेलिसा अपने जिंदगी की सारी बातों को एक डायरी में नोट करती है। मेलिसा जब अपने रूम में होती है, तब उसकी ग्रैंड मदर उसके पास आकर उसे ये समझाती है, मैं भी जब जवान थी, तब मुझे भी एक लड़के ने धोखा दिया था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा। असल में उसकी ग्रैंड मदर मेलिसा को ये समझाना चाहती थी कि तुम्हें अभी इन सब चीजों से दूर रहना है। जब मेलिसा अपने रूम में अकेली होती है, तब उसके पास डेनियल का कॉल आता है। वो मेलिसा को अपने पास बुलाता है। पहली बार में मेलिसा उसे मना करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो डेनियल के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर डेनियल अपने दोस्त को भी बुलाता है और ये तीनों लोग साथ में घपाघप करते हैं। मेलिसा को अब इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट आता है। मेलिसा अपने कंप्यूटर में ऑनलाइन डेटिंग साइट खोलती है और वहाँ वो कई फ्रेंड्स बनाती है। मेलिसा अपनी सारी बातें उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपनी मन की बातों को शेयर कर सकती थी। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, स्कूल के सारे बच्चों को घूमने के लिए एक साइंस म्यूजियम में ले जाया गया है। यहाँ मेलिसा को एक आदमी मिलता है,
जो कि इस म्यूजियम में काम करने वाला आदमी था। मेलिसा उस आदमी के पास जाकर उसे सीरियस करती है और इसके बाद वो उसके साथ भी गपागप कर लेती है। मेलिसा अपने लाइफ की सारी बातों को अपने डायरी पर नोट करती जाती थी कि वो किन किन लोगों के साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन जब मेलिसा अपने स्कूल में जाती है तब वहाँ वह देखती है उसके पर्सनल डायरी को सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके बाद वो अपने फ्रेंड पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि ये सब उसके क्लोज फ्रेंड ने ही किया था। मेलिसा इस बात से बहुत गुस्सा हो जाती है। इसके बाद वो अपने घर जाने लगती है, लेकिन वो घर जाते हुए अपने ग्रैंड मदर को देखती है जो कि किसी और आदमी के साथ रोमांस कर रही थी। अपनी ग्रैंड मदर को उस आदमी के साथ खुश देखकर मेलिसा भी बहुत खुश होती है और वो मन में ये सोचती है काश उसके पास भी कोई ऐसा आदमी होता जो कि उसे सीने से लगाता और उसे बहुत प्यार करता। अगले दिन मेलिसा जब अपने स्कूल जा रही होती है तभी उसके फ्रेंड वहाँ आती है और वो मेलिसा से अपने किया के लिए माफी मांगती है, लेकिन मेलिसा उसे इग्नोर कर देती है। तभी मार्को नाम का एक लड़का उसके पास बात करने के लिए आता है। असल में मार्को एलिसा को काफी समय से पसंद करता था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मेलिसा को अपने दिल की बात बताता। मेलिसा उस लड़के के साथ बातें कर ही रही होती है तभी मेलिसा के पास डेनियल का एक फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है। जब मेलिसा उससे मिलने के लिए उसके पास जाती है तब वो मेलिसा की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे बेसमेंट में ले जाता है। यहाँ पर पहले से ही उस लड़के के काफी दोस्त होते हैं जो कि मेलिसा का यहाँ आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही वो लड़का मेलिसा को यहाँ लेकर आता है ये सारे लोग मेलिसा के साथ गपागप करते हैं। वहीं इधर हम लोग मेलिसा के मॉम को देखते हैं जो कि मेलिसा के कमरे में जाती है। अभी यहाँ पर मेलिसा नहीं होती है, यहाँ पर उसकी मॉम को मेलिसा की डायरी मिल जाती है। पूरी डायरी को पढ़ने के बाद मेलिसा की मॉम को मेलिसा के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद वो मेलिसा को जल्दी से कॉल लगाती है। मेलिसा की मॉम इन सारी बातों को बताने के लिए मेलिसा के ग्रैंड मदर के पास जाती है। यहाँ पर आने के बाद उसे ये पता चलता है मेलिसा की ग्रैंड मदर की डेथ हो चुकी है। अपनी माँ की मौत की खबर को सुनने के बाद वो यहाँ पर रोने लगती है। इसके बाद वो अपने घर में वापस चली जाती है। जब मेलिसा घर में वापस आती है तब उसकी मॉम उससे उसके डायरी के बारे में पूछती है। मेलिसा अपनी मॉम को ये बताती है हाँ वो सारी बातें सच है। उसकी माँ जैसे ही मेलिसा की बातों को सुनती है वो जोर जोर से यहाँ पर रोने लगती है। वो मेलिसा से यहाँ पर माफी मांगती है। वो मेलिसा से ये कहती है मुझे तुम्हारा और भी अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। मेलिसा जब अपनी मॉम की इन बातों को सुनती है तब उसे अपने किए के लिए पछतावा होता है। इसके बाद वो अपने आप को बदलने का फैसला लेती है और अब वो अपनी माँ से सारी बातें शेयर करती है। कुछ समय बीतने के बाद मेलिसा पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। स्कूल जाने से पहले वो अपने दोस्त के पास जाती है, वो उससे माफी मांगती है और अब ये दोनों पहले की तरह ही साथ में स्कूल जाते हैं। जब ये लोग यहाँ स्कूल पहुँचते हैं तब ये लोग यहाँ देखते हैं डेनियल अपने दोस्तों के साथ लड़ाई कर रहा है क्योंकि डेनियल के दोस्तों ने बिना उसे बताए मेलिसा के साथ गपागप किया था। कुछ देर के बाद डेनियल मेलिसा को स्कूल में देखता है। वो मेलिसा को यहाँ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेलिसा को डेनियल की कोई भी बातों का फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद वो अपने एग्जाम के फाइनल रिजल्ट को चेक करने के लिए जाती है। इस लिस्ट को देखने के बाद उसे ये पता चलता है मार्को नाम का एक लड़का फेल हो गया है। तभी मार्को उसके पीछे पीछे आता है और वो यहाँ आकर मेलिसा से अपने दिल की सारी बातों को कह देता है। वो यहाँ मेलिसा से कहता है वो अब आर्ट क्लास को ज्वाइन करना चाहता है। इसके बाद वो अपने ड्राइंग को मेलिसा को दिखाता है। इन ड्राइंग्स को देखकर मेलिसा बहुत खुश होती है। यहाँ से जाने से पहले मार्को मेलिसा की एक ड्राइंग बनाता है, लेकिन तभी यहाँ पर डेनियल भी आ जाता है। वो यहाँ आकर मेलिसा को अपने घर के एक छोटे से पार्टी में इन्वाइट करता है। पहली बार में मेलिसा उसे मना करती है, लेकिन फिर वो उस पार्टी में आने के लिए मान जाती है। इस पार्टी में पहुंचने के कुछ देर बाद मेलिसा पानी के पास में जाकर वहां कूद जाती है। सारे लोग यहां उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिसा किसी की भी बात नहीं मानती है और वो पानी में कूद जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद मेलिसा हमें इस पानी में तैरती हुई नजर आती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। मेलिसा यहाँ अपने माँ के साथ काफी खुश होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। मेलिसा की मॉम अपने हाथों में फूल लिए हुए मेलिसा के ग्रैंड मदर के कब्र के पास जाती है और ये दोनों यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।